असी ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੈਕਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ बच्चे ये सब चीज़ा जो शादी होती है विवाह होते हैं इंसान के दिलों का रिश्ता होता है हमारा साथ होता है ज़िंदगी भर का एक दूसरे का। जब आपने कभी कोई वीडियो देखते हैं बूढ़ा बूढ़ी बुढ़ा बुढ़ी बैठते हैं आपस में हाथ में हाथ क्योंकि उनका बच्चे भाग गया उनको छोड़ के कोई अमेरिका चले गया कोई कहीं चले गया लेकिन वो फिर भी एक दूसरे का हाथ हाथ पकड़ के बैठे होते हैं कि हमें इमोशनल अटैचमेंट चाहिए। सब कुछ प्रोग्रेस मतलब रिप्रोडक्शन नहीं होता है ठीक है ना। प्रकृति प्रकृति अब कोई कई औरत हैं या पुरुष हैं उनके बच्चे नहीं होते तो क्या उनको शादी नहीं करनी चाहिए क्या? ऐसा नहीं है, शादी करना सभी का अधिकार है। कानून में तो कोई ऐसा नहीं लिखा है कि हाँ अगर अगर नहीं है तो शादीशुदा हूँ। मैं अब अपने फ्रेंड नाल रह रही हूँ इन लिव इन रिलेशनशिप ही इज़ अ ट्रांस मैन और ये वर्णन जड़ा हैगा ये वेदा च भी हैं किन्नर और किन्नरी का विवाह होंदा सी गंधर्व गंधर्व किन्नर यक्ष लोग आपस मतलब ब्याह करते सी और गंधर्व विवाह जड़ा सी वो गंधर्व लोगों ने शुरू किया जिन्हों हुण लव मैरिज कहते हैं ठीक है ना। मेल फीमेल गंधर्व विवाह नहीं करते सी वो बाद च ट्रेडिशन बनया लेकिन गंधर्व जड़े लोग सी वो गंधर्व विवाह करते जब समाज ना हो साथ में तो प्रकृति को साक्षी मानकर पति पत्नी या जो भी वो रिलेशन अपने आप को स्पाउस मानते हैं एक दूसरे का साथी मानते हैं वो रह सकते हैं। बाकी धर्म की अपनी अपनी बातें हैं धर्म के अपने अपने सब लोगों ने व्याख्या की है। प्रकृति कभी किसी का डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, धर्म बाद में आता है पहले प्रकृति है। कुदरत कुदरत तो मेरे साथ मैं शादी भी करूँ कुदरत ने क्या करना कुछ नहीं, कुदरत मेरे को फिर भी छाया देगी बारिश देगी हवा पानी सब पांच तत्व हैं पंच तत्व वो सभी इस लोगों को मिलते हैं। शादी करना नहीं करना ये लंबा डिबेट है ठीक है ना। कई कंट्रीज़ में इसको कई कंट्रीज़ में नैदरलैंड वगैरह या यूरोप में इसको लीगली माना गया है। धीरे धीरे हम लोग भारत की तरफ भी आ रहे हैं कि भारत में भी इस तरह की शादियाँ हो रही हैं। पटिशन पाई हुई कोर्ट पटिशन हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट से। सो अगर असी कहते कि नहीं साडी कंट्रीज तो इदा अलाउड नहीं है वैसटर्न फिर असी बाहर क्यों भजदे हैं सिर्फ पैसों वास्ते या अपने ऐशो आराम वास्ते या तो बाहर जाओ ना कैनेडा या फिर यूरोप ना जाओ तुसी अपने इंडिया से सारे अपने रूल्स फॉलो करो सारे सारी चीज़ें अपने आप फॉलो करते रहो। मैं किसी की मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हर एक अपने अपने विचार हैं बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग जो मैं पढ़ाई की है या वेद पुराण उपनिषद या ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू ऑल बुक्स कितने भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हर इंसान हर बराबर का अधिकार है कोई भी कुछ भी किसी तरह की ज़िंदगी जी सकता अनलेस अनटिल किसी को कोई फ़र्क ना पे दुख ना हुए किसी को प्रॉब्लम ना मैरिज तो हस्बैंड वाइफ मैरिज करना क्या उस प्रॉब्लम नहीं आती है उस भी डिवोर्स होंगे हैं ठीक है उस डाउरी कि दहेज कितनी प्रॉब्लम प्रताड़ना होंदियाँ हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है उत्थे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सो एक डिबेट हो रही थी काफ़ी साल पुराने पीटीसी चैनल में उत्थे भी मैरिज का ही पूछ रहे कि किसी ने कहा कि फिर तो तुसी डिवोर्स भी लोगे ये फलाना ये भी करोगे कि असी कहा यस डिवोर्स भी लोगे जिस तरह बाकी तुसी ले रहे हो डिवोर्स तुसी भी तो डिवोर्स लेंदे हैं हमेशा कोई गठ तो नहीं बनते कि मेरे नाल ही रह गए जो प्रॉब्लम भी है तुसी मारदे पीटदे वाइफ नूं या वाइफ वालों कोई प्रॉब्लम हसबैंड होंगी है हसबैंड वालों वाइफ को प्रॉब्लम डिवोर्स भी जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगी है तो डिवोर्स भी होंगे है ना बिकॉज इतने सारी सिस्टम जो बनया है फैमिली के उपर है साडा फैमिली सिस्टम है पेरेंट्स जो डिसाइड करते हैं वो सारे मनना पैंता है हो सकता दू आपस रजामंदी ना हो और कई बार की होंगे इन्ने साल रहने तो बाद भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो मैरिज करते हैं वो भी डिवोर्स हो जाते हैं। डिपेंड करता है देखो किसी ना कुछ नहीं कह सकता मैं किसी के बारे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हर एक का अपने विचार है मेरे विचार ना हर एक नू अपना अधिकार होना चाहिए ब्याह करने का भी अधिकार है सब नू ना बच्चे गोद लेने का भी अधिकार है ये पुराण उपनिषदा च है ठीक है ना क्योंकि आप देवकी हो हम यशोदा हैं हम पालनहार हैं हम पालते हैं पालना झुलाते हैं इसीलिए ये बहुत बड़े हम जब इतिहास को जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है उनको पढ़ लेना चाहिए कि हम हरम के रक्षक थे जो राजा राजवाड़े मुगल दरबार से
ਅਸੀਂ ਹਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰੰਗ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਤਰੰਗ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਲੋਕ